हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फोर टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे सबसे ऊपर जो मैंने नंबर लिखा हुआ है फोर के सामने मैंने लिखा है मॉन्यूमेंट, मीन्स जिस नंबर में से हम कोई नंबर माइनस करते हैं उसे मॉन्यूमेंट बोलते हैं, और जो नंबर माइनस होता है उसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंबल बनाया है माइनस, तो इसको हम माइनस बोलते हैं। तो ये फोर टर्म्स आपको बच्चों को बताने हैं कि किसको क्या बोला जाता है। उसके बाद आता है काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, तो सबसे पहले बच्चे को ये पिक्चर्स के बारे में बताएं, आप पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सबसे पहले काउंट करेंगे पिक्चर्स, 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं। उसके बाद हमें माइनस करना है, तो माइनस यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स क्रॉस हो रखी है यानी कटी हुई हैं तो उन्हें हम काउंट करेंगे। 1 2 पिक्चर्स क्रॉस हो रखी है, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2। तो बच्चों को जो क्रॉस नहीं है उन पिक्चर्स को काउंट करने के लिए बोलें। जैसे यहाँ पे टू बॉल्स हैं तो एक क्रॉस नहीं है, तो 1 2, तो आंसर इज 2। तो इस तरीके से आपको पिक्चर्स की हेल्प से माइनस करना सिखाना है। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5 6, 6 पिक्चर्स हैं, क्रॉस कितनी है, 1 2 3 3, और उसके बाद जो बची हुई है रिमेनिंग पिक्चर्स, 1 2 3 3, 6 - 3 = 3। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 - देन क्रॉस पिक्चर्स, 1 2 3 4 4, देन रिमेनिंग 1 2 3। इस तरीके से आप पिक्चर्स की हेल्प लेकर माइनस सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्व दीज बाय ड्रॉइंग लाइंस। उसके बाद माइनस ड्रॉइंग लाइंस के हेल्प से भी कराया जाता है। जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 7 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। देन मुझे क्या करना है, 2 लाइंस को कट करना है, 1 2 2 कट हो गई, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से बच्चों को ड्राइंग लाइंस की हेल्प से माइनस करना सिखाना है। ऐसे एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस करने हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5, देन 3 कट लाइंस, 1 2 3 1 2, इस तरीके से। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग बैकवर्ड। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, 9 - 2 = यहाँ पे मुझे फिल करना है कि क्या नंबर आएगा। तो इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रिप लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 से लेके 10 तक लाइंस बनाई हुई हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें सबसे पहले 9 नंबर के पास जाना है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो हम 9 के पास चले जाएंगे। जैसे 9 हो गया, अब हमें क्या करना है, -2, तो 1 2, इस तरीके से हमें राउंड में स्ट्रिप में करना होगा। तो हम किस पर पहुंच गए, 7 पर, तो ये आंसर हो गया हमारा 7। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, 8 - 3, तो सबसे पहले 8 नंबर के पास जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे हमें राउंड राउंड करना है, 1 2 then 3, तो आंसर इज 5। एक तरीका तो ये हो गया। एक होता है
एक होता है जिसमें हमें फिंगर्स की हेल्प से और बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहाँ पे 9 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 9 में से 2 माइनस करना है, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, मीन्स 8 7 8 7, तो आंसर इज 7, क्योंकि 1 और 2 हमने 2 टाइम्स उसको माइनस किया बैकवर्ड काउंटिंग में, तो इस तरीके से हमारा आंसर तुरंत आ जाता है। ऐसे हमने 8 और 3 का करके बताती हूँ मैं, 8 माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, 7 6 5 7 6 5, आंसर इज 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स मैंने उसको बैकवर्ड काउंटिंग की है। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं 7 माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, 6 5 4 3 2, अगेन 6 5 4 3 2, आंसर इज 2। तो ये बहुत इजी मेथड होता है, बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से हम माइनस बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे पहले बच्चों को वंस और टेंस के बारे में बताना है। सबसे पीछे वाला जो नंबर होता है उसे हम वंस बोलते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसे टेंस बोलते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे 0 वाले लिखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को 0 वाले भी माइनस करने आने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 0 0 दोनों तरफ 0 लिखा है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। उसके बाद 8 और 5, तो 8 में से हमें 5 माइनस करना है, तो फिर से वही मेथड यूज़ करते हैं, 7 6 5 4 3, तो आंसर इज 30। उसके बाद 70 में से 50 माइनस करना है, यहाँ पे 0 0 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 7 में से 5 माइनस करना है, तो 6 5 4 3 2, आंसर इज 2। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को माइनस करने की। उसके बाद आता है, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे 0 0 थे, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो सेम मेथड ही यूज़ करना है। यहाँ पे 6 में से 3 माइनस करेंगे, 5 4 3, आंसर इज 3। 5 में से 2 माइनस करना है, 4 3, आंसर इज 3। तो ये बच्चों को माइंड सेट करना है, यहाँ पे ट्रिक लगाई जा रही है माइंड की भी, कि बच्चा कितना उस चीज़ को समझ पा रहा है यहाँ से 1 2 3 काउंटिंग करने में। तो जितना बच्चे को माइनस नंबर माइनस करना है, उतना उसको यहाँ पे ध्यान भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो 5 में से 1 माइनस करना है सिर्फ, तो 4, यहीं पर 5 का बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा, आंसर इज 4। देन 7 माइनस 2, 6 5 6 5, आंसर इज 5। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। बोरोइंग में हमें 7 में से माइनस नहीं कर पाएंगे हम, तो 5 में से 7 को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें एक बोरो नंबर लेना पड़ता है, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 बोरो कर लेंगे, तो ये वाला नंबर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। 15 में से हमें क्या माइनस करना है, आप 7 माइनस करना है, तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं, तो हम फिंगर वाला यूज़ कर रहे हैं मेथड। तो 15 में से 7 करना है, तो 14 13 12 11 10 9 8, यहाँ पे क्या आ गया, 8। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच्चे को समझाना है कि जब हम कोई भी नंबर बोरो करवा देते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर है उसमें से हमारा 1 1 माइनस हो जाता है, तो 2 में से हमारा 1 नंबर यहाँ चला गया, तो हमारा क्या बचा, 1 बचा। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। इस तरीके से कराना है। उसके बाद ऐसे यहाँ पर 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, फिर से
बोरो करेंगे 1, उसके बाद फिर से वही 16 में से 9 माइनस करना है तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, यहाँ पर आके हमारा नंबर आ गया 7। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर है, 8 में से 1 माइनस कर दिया, 1 बोरो चला गया हमारा, तो हमारा क्या बचा 7, 8 में से 1 गया 7, तो 7 में से 1 को माइनस करना है फिर से, तो हम क्या करेंगे 6, आंसर इज 6, क्योंकि हमने 1 टाइम ही माइनस करना था। तो इस तरीके से आप बोरोइंग वाले सम्स भी सिखा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। गीता हैज 25 चॉकलेट्स, सीता हैज 20 चॉकलेट्स, हु हैज मच चॉकलेट्स एंड हाउ मच। तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखाई जाती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, गीता हैज 25 चॉकलेट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 25, देन सीता हैज 20 चॉकलेट्स, 20 यहाँ लिखा हुआ है, तो उसके बाद हमें सिर्फ माइनस करना है, तो 5 में से 0 गया तो यहाँ तो 5 ही आ जाएगा, 0 नथिंग। उसके बाद 2 में से 2 माइनस करना है तो वो हमारा 0 आ जाएगा, तो आंसर इज 5। तो कितनी ज़्यादा चॉकलेट हुई, 5 चॉकलेट्स मोर। और यहाँ पे ये भी पूछा है हु हैज मच चॉकलेट, तो किसके पास ज्यादा थी, गीता के पास, गीता हैज मोर चॉकलेट्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम भी सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।